13 साल बाद बैक स्ट्रीट बॉयज इंडिया में परफॉर्म करने वाले हैं। बैक स्ट्रीट बॉयज इंडिया में एज अ पार्ट ऑफ DNA वर्ल्ड टूर परफॉर्म करेंगे। बैक स्ट्रीट बॉयज ये बैंड 1993 में फॉर्म हुई थी और इसके मेंबर्स थे AJ McLean, हार्वी ड्यूरो, केविन रिचर्डसन, निक कार्टर एंड ब्रायन लिटरल। इस बैंड ने इंडिया में अपना आखिरी टूर 2010 में किया था। द बैक स्ट्रीट बॉयज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बैंड ऑफ ऑल टाइम ने वेंसडे को ये अनाउंस किया कि मई महीने में ये बैंड इंडिया में 2 दिन के टूर पर आएगा और परफॉर्म करेगा। बुक माई शो और लाइव नेशन दोनों मिलकर इस बैंड को इंडिया में ला रहे हैं। ये टूर इस बैंड के हिस्ट्री को सेलिब्रेट करेगा और साथ ही वो अपने नए और पुराने गानों पर परफॉर्म करेंगे। तारक मेहता में तारक मेहता की भूमिका निभाने वाले मेहता साहब यानी सचिन श्रॉफ को अपनी असल जिंदगी की अंजनी मिल ही गई और खबर ये है कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो में कुछ महीने पहले ही मेहता साहब की एंट्री हुई थी और वो सचिन श्रॉफ थे। उन्होंने खुद को इस किरदार में कुछ इस तरह से ढाल लिया कि दर्शक भी अब उन्हें पसंद करने लगे हैं। न्यूज ये है कि वो जल्द ही इस हफ्ते शादी करने वाले हैं। 25 फरवरी को उनके शादी की खबर आई है, लेकिन दुल्हन कौन है ये एक राज है। सचिन श्रॉफ की उम्र 50 साल की है और वो अपने लाइफ को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। कहते हैं कि वो अपनी होने वाली वाइफ को पहले से ही जानते हैं और उनकी फैमिली फ्रेंड है और उन्हीं की फैमिली ने ये रिश्ता फिक्स किया है। आपको बता दें कि सचिन और जूही परमार का डिवोर्स हो चुका है। इस शादी से उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। सचिन श्रॉफ टीवी के एक वेल नोन एक्टर है जो इस इंडस्ट्री में काफी सालों से है। उन्होंने कई पॉपुलर शो, टीवी सीरीज और फिल्म की हुई है। किसी शो में उनकी मुलाकात जूही से हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और 2009 में वो शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन दोनों के बीच में मनमुटाव होने लगा और दोनों ने फाइनली डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर विजय कनकमेडला की उग्रम का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका था और अल्लारी नरेश को इस फिल्म में फियर्स कॉप की भूमिका में देखकर फैंस काफी थ्रिल्ड हो गए। टीजर की शुरुआत में ही अल्लारी अंधेरे में विलन्स के साथ इंटेंसली लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जहां एक सीन में वो गुंडों को मारते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरे सीन में एक पॉलिटिशियन उनको धमकाते हुए नजर आता है। टीजर में नरेश के परिवार को गुंडों ने नुकसान पहुंचाया और उस वजह से उसने गुंडों से बदला लेने की ठान ली है, ऐसा दिखाया गया है। तो ये तो खैर एक टीजर था, अब हमें इसके ट्रेलर का वेट करना होगा और ट्रेलर के बाद मूवी कैसी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। पद्मभूषण, पद्मश्री से सम्मानित क्लासिकल डांसर कनक रेले अब हमारे बीच नहीं रही। 85 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। मोहिनीअट्टम जो कि एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, कनक रेले इसमें पारंगत थी। उनके निधन के बाद हेमा मालिनी और सुधा चंद्रन सहित अन्य बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक जताया। हम भी उनके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करते हैं।